केना ग्रीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में इनॉग्रेशन की गार्डन ट्रिब्यूट कौन सी फैमिली आई? सब सो मोबाइल हटवा ले लो बंद है साफ साफ एक मेमोरियल जैसा रहे एंड अभी ऑन द राइट मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर 47 आरआर ऑन टू हेल्प अस आउट विद दैट माइक इज हियर सर लोग क्यूरियस गॉट द बेटर ऑफ द मी क्या करते हैं वी वांटेड We've also been made a viewpoint. NC के साथ है सर ये वो लेने को कपड़ा मोबाइल साइड इनिशिएटिव जिससे हमको आप सबकी पार्टिसिपेशन और यहाँ पर जो गैदरिंग है पता चल रहा है कि आप खुद जो हैं बहुत इसको लेके खुश हैं एंड आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे अभी मैं इंटरेक्ट कर रहा था आप सबसे तो मैं यही बता रहा था कि ये फैसिलिटी जो है ये बनाई तो गई है लेकिन इसको इसका देखभाल करना इसका अपकीप रखना और इसको साफ सफाई रखना वो मेजर इशू है जिसमें आप सबको अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। आप DFO साहब के साथ मिलके पक्का मैं चाहता हूँ कि कुछ आप इसका स्कीम करिए कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है यहाँ पर क्लिनलीनेस है उसके लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त हो सके। बाकी ये जो इनिशिएटिव है हर एक जो मार्टियर के नाम पे एक ट्री प्लांटेशन करना बहुत ही अच्छा है एंड नोबल कॉज है जिसमें हम हमारा पूरा साथ है इसके साथ और हमारे आर्म फोर्सेस के भी मार्टियर्स को यहाँ पर ऑनर किया गया है उनके लिए भी ट्री प्लांट किया गया है। तो हम हमेशा इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं इंडियन आर्मी जुड़ी हुई है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर और डेवलपमेंट हो इस फैसिलिटी को और डेवलप किया जाए ताकि आप सबके लिए भी अच्छा हो और आप सबके बीच में आपके विलेजेस के बीच में एक जो फैसिलिटी बनाई गई है उसमें और लोग भी आएं
और आपसे यहाँ पर आके मिले। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट डीएफओ कामराज फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, जिसमें हम अपने मार्टर्स को, कुपवाड़ा के मार्टर्स को ऑनर कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये डेफिनेटली वन ऑफ द फर्स्ट मार्टर्स पार्क या बाग हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके लिए आई कंग्रेचुलेट होल हार्टेडली। हमारे जो मार्टर्स की कंट्रीब्यूशन रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे देश के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट रही है, उसमें दो राय नहीं है। आज मैं आप सबको सिर्फ ये आश्वस्त आज करवाना चाहूंगी कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी आप लोगों के वेलफेयर के लिए मौजूद हैं, और हमेशा कभी भी आपको कोई भी इशू हो तो बिल्कुल आगे बढ़कर वो हमारे साथ डिस्कस करें ताकि हम उनको रिजॉल्व कर सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त परसों है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस इवेंट के माध्यम से सभी लोगों को, जो भी कुपवाड़ा के रेजिडेंट्स हैं, मैं सबको इनवाइट करना चाहूंगी कि डीपीएल कुपवाड़ा में आकर जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ ये इंडिपेंडेंस डे मनाएं। इसके अलावा आप सब लोग ये भी जानते हैं कि हमारे जो सारे स्कूल्स, हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस, हमारे जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस में पंचायत लेवल पर उस दिन झंडा फहराया जाएगा। वहां पर भी जाकर अपनी पार्टिसिपेशन दें और ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इसको हमारे साथ सेलिब्रेट करें। इसी के साथ मैं सबको थैंक यू कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ कि इतनी धूप में भी, इतनी गर्मी में भी सभी लोग यहाँ पर आज आए हैं और इतने होल हार्टेडली सभी ने पार्टिसिपेट किया है। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर द वार्म हॉस्पिटैलिटी, स्पेशली द पीपल ऑफ दिस एरिया। पहले तो डीएफओ कामराज को बहुत बहुत मुबारक दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इतना सुंदर पार्क बनाया। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है, और जैसे कि कमांडर साहब ने कहा था कि हम लोगों को सबको इसमें अपना एफर्ट करना है इस जगह को साफ़ सुथरा अच्छा रखने के लिए। तो जितने बाकी भी पार्क बनाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वहाँ अंदर बुक की तरफ करीवन में और यहाँ जांगली में, वो सभी बड़े अच्छे हैं और वहाँ बहुत लोग भी आते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम इनिशिएटिव है, और मैं पूरी तरह से इस बात को कह सकता हूँ कि लोग पूरी तरह से इसे एंजॉय भी करेंगे। इसमें एक एडेड अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि वो शहीदों को डेडिकेटेड है। तो ये जो शहीद हैं ये सभी वो पुलिस के भी हैं, फौज के भी हैं, सभी जिन लोगों ने यहाँ ड्यूटी देते हुए हमारे कुपवाड़ा को सेफ और एक अमन चैन वाला शहर बनाने में अपना अंतिम बलिदान दिया है, उन सब के लिए ये एक बहुत बहुत अच्छा उनके लिए हम लोगों का एक इनिशिएटिव है। और मैं उनकी सबकी फैमिलीज को अपनी तरफ से बहुत बहुत नमन देता हूँ। ये इसके अलावा हम लोगों ने एक शहीदों के नाम पेड़ उगाए हैं इस साल डीपीएल में और सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू, तो उसके लिए भी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपना बहुत बहुत थैंक्स कन्वे करता हूँ। इसी के साथ मेरे बेस्ट विशेज, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट थैंकिंग द फैमिलीज जो हमारे शहीद हुए हैं, कुपवाड़ा की रक्षा करते हुए जितने भी लोग यहाँ शहीद हुए हैं, जिनके नाम यहाँ पर हैं, उनकी फैमिलीज जो यहाँ आए और उन्होंने हमें मौका दिया कि इस पार्क को एक सक्सेस बनाने का, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया करना चाहूँगा। उसके बाद आई वुड लाइक टू थैंक द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पार्क का कंसेप्ट है, मैंने वो मैसेज तो पढ़ लिया था मैम, जो आया था फ्रॉम हायर अप, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट सम ऑफ द डिवीजन, ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लाई करती है, तो आई सॉ चीफ सेक्रेटरी सर्स इंस्ट्रक्शंस, बट आई वाज अ बिट अप्रिहेंसिव कि हम कैसे पार्क बनाएंगे कंप्लीट पार्क। एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि मुझे लगता था कि किसी हमारे एग्जिस्टिंग पार्क में एक छोटी सी वाटिका हम बनाएंगे, बट थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया to create an entire park for the martyrs, and I think aisa initiative I have not seen in other places in Kashmir, and I am glad ki hum aise initiative ka part ho paaye. I would like to thank
कमांडर सर हु इन ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस जिन्होंने अप्लाइज किया एंड ही केम एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट कमांडर सर कंजर्वेटर नॉर्थ एंड एस एस पी सर इनफैक्ट एस एस पी सर आई थिंक सर आई शुड थैंक यू द मोस्ट एकदम लास्ट मोमेंट में सर आई रिक्वेस्टेड एंड सर आप आए थैंक यू सो मच एवरी वन एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई स्टाफ मैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि ऐसा पार्क बनाना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन लोगों ने 5 दिन में ये जो आप अभी सब देख रहे हैं 5 दिन में खड़ा किया है तो मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ अपने स्टाफ का कि जो इतना डेडिकेटेड है ना सिर्फ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए बट इको टूरिज्म और यहाँ के मार्टर्स के लिए भी इसके साथ थैंक यू सो मच ये पार्क यूज करते रहिए और जब भी यहाँ आइए यहाँ के शहीदों को एक बार यहाँ इस मेमोरियल पे आके जरूर याद करिए थैंक यू एंड जय हिंद ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसा हो भी रहा है मैं जितना कुपवाड़ा जिला में घुमा हूँ चाहे सीसवाल है केरन है वहाँ पर जिला प्रशासन ने जो लैंडमार्क इनिशिएटिव लिए है वो विजिबल है वहाँ हम जहाँ भी जाते हैं तो इतने भरे हुए हैं एंड दे आर सपोर्टिंग द लोकल इकोनॉमी तो ये भी एक इनिशिएटिव उसी दिशा में है एक पेड़ माँ इनाम एक पेड़ शहीदों इनाम उसी दिशा में ये मुहिम है और जिला प्रशासन देख रेख में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम किया है अभी इसको ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा और बाकी जितने भी पार्क हैं उनको भी हम ऐसे ही रिनोवेट करेंगे बाकी जो पब्लिक है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें टाइम टू टाइम नए नए आइडिया देते रहते हैं बाकी पूरा एक टीम एफर्ट है जॉइंट एफर्ट्स है और कुपवाड़ा जिले और टूरिज्म में हमें नंबर वन पर लाना ही लाना है यही हमारा एजेंडा है पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूँगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिन्होंने जिनके बहुत ही बेहतरीन अफसरानों ने ये शहीदों के लिए जो पार्क डेडिकेट किया है बागे तहसीन एक बहुत ही खूबसूरत नाम भी यहाँ पर रखा गया है वी हैव अ लॉट ऑफ पार्क्स इन कुपवाड़ा और सभी पार्क्स में जो देखते हैं फुटफॉल बहुत ही अच्छा है टूरिस्ट फुटफॉल बहुत अच्छा है और लोग बहुत पसंद करते हैं पार्क्स में आना जितने टूरिस्ट लेकिन जो आते हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इन बागों को क्योंकि ये आप लोगों के लिए है आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको साफ रखें इनको क्लीन रखें और यहाँ पे जो सैनिटेशन है इसको इंश्योर करें ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है और शायद कश्मीर वैली में ये पहला ही है जहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड एक पार्क मार्टर्स को डेडिकेट किया गया मैं सभी कुपवाड़ा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये एक इन्विटेशन देना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज वेल टू कम एंड विजिट दिस पार्क एंड हमें भी सजेशंस दें हाउ टू इम्प्रूव दिस पार्क इन द फ्यूचर थैंक यू